नमस्ते, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम लोगों का गोवा में ट्रिप ख़त्म हो चुका है और आज हम वापस जा रहे हैं हमीरपुर। अमोल, अमोल मज़ा आया गोवा में? बहुत मज़ा आया। अमोल ने पूरी कसर निकाली है, ये देखो ये जो पेट निकला है ना, बियर पी के निकला है। पर अभी ना हमें टैक्सी लेने आने वाली है, जो हम लोगों ने बीक माई ट्रिप से किया था, तो वो पिकअप भी करेंगे और ड्रॉप भी करेंगे। तो मैं मिलती हूँ आपको रास्ते में। हम लोग पहुंच चुके हैं रिसेप्शन में और अब हमें वेट करने पड़ेगा रिसेप्शन पे, क्योंकि हम लोगों की ना टैक्सी नहीं आई है अभी तक। बस अब अमोल ना टैक्सी वाले को कॉल कर रही है। मुझे ना गोवा, मतलब मैं चाहती थी मैं एक दो दिन और गोवा रुक सकती थी, क्योंकि गोवा में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। बहुत मिस करूँगी मैं गोवा को, सीरियसली बहुत फ़न किया हम लोगों ने गोवा में। और टैक्सी वाले भैया भी आ गए और हम लोग अब सामान रखते हैं गाड़ी में और निकलते हैं। जाने का बहुत दुख है, पर जाना तो पड़ेगा ही ना। ऐसा हो नहीं सकता, हर ट्रिप का एक एंड होता है। सुबह के ना 9:30 बज चुके हैं और आप सुबह सुबह देखो कितना ज़्यादा ट्रैफिक है। वैसे तो हम लोगों की फ़्लाइट 12:30 बजे की है और अगर हम लोग 11 भी निकलते तब भी हम पहुंच जाने थे, पर हम लोगों ने सोचा कि ट्रैफिक होता है तो इसलिए हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकल जाते, कहीं फ़्लाइट मिस ना हो जाए इसीलिए। और हम पहुँच चुके हैं गोवा एयरपोर्ट पर। जल्दी पहुंचने का ना एक फ़ायदा हो गया, हम लोगों ने गोवा में एयरपोर्ट पर थोड़ी सी शॉपिंग करी और बाकी थोड़ा बहुत खाया पिया और हम लोगों की फ़्लाइट भी पहुंच चुकी है। अभी ना रात के 10 बज चुके हैं और हम जस्ट चंडीगढ़ एयरपोर्ट से निकलने के बाद सबसे पहले हम लोग अपनी कार लेने गए, जहाँ हम लोगों ने कार पार्क की हुई थी। और अब हम हमीरपुर की तरफ निकल रहे हैं। हम लोगों बहुत ज़्यादा लेट हो गए, उसका रीज़न था कि मुंबई में ना वैसे हम लोगों का ले आउट था 2 घंटे का, पर वो बढ़ के 5 घंटे हो गया और हम लोग मुंबई में मतलब 5 घंटे एयरपोर्ट पर बस घूमते रहे और बोर हो गए थे बुरी तरह से। बट इस वजह से हम लोग लेट हो गए हैं और अब हम लोग बस सीधा ही निकल गए हैं हमीरपुर की तरफ। अभी ना रात के 12:20 हो गए, ये देखो आप टाइम भी देख रहे हो, और हम लोग जस्ट अभी ऊना पहुंच चुके हैं। हम लोगों की फ़्लाइट बहुत ज़्यादा डिले हो गई, 5 घंटे, मतलब वैसे 2 घंटे का ले आउट था ही था, पर 3 घंटे और पूरे 5 घंटे तक फ्लाइट नहीं है। पूरे 5 घंटे तक भाई परेशान हो गई थी मैं तो वहाँ पे बैठ कर। और जिस चक्कर में हम लोग लेट हो गए, 10 बजे तो हम लोग चंडीगढ़ पहुँचे, फिर टैक्सी वैक्सी करके फिर निकले हमीरपुर को और जस्ट अभी 12:23 पर ऊना पहुँच चुके हैं।
और हम लोगों ने पहले डिसाइड किया था कि हम लोग चंडीगढ़ रुकेंगे, फिर हमें लगा कि यार 10 बज गए हैं, अब कब उठेंगे कब जाएंगे, फिर सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, इससे बेटर है कि निकल ही जाते हैं, एटलीस्ट हम 3 बजे तक तो पहुंच ही जाएंगे घर पर हमीरपुर। और सच में जिंदगी क्या होती है, कल मैं गोवा में थी और इस टाइम पे मैं हिमाचल में पहुंच गई हूँ। और गोवा का ट्रिप ना बहुत ज़्यादा मस्त रहा, बहुत ज़्यादा मज़े आए, बहुत ज़्यादा फ़न किया हम लोगों ने गोवा में। गोवा एक बार जाना चाहिए, कपल्स को तो खासकर जाना ही चाहिए, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। बाकी मैं आपको मिलती हूँ सुबह, अभी अमूल पी रहे हैं चाय क्योंकि अमूल को नींद आ रही है, पर मुझे बिल्कुल नींद नहीं है। Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. अभी ना 1:30 बज चुका है और भूख भी लग रही है। हम लोग जैसे ही चंडीगढ़ से निकले हमने कुछ नहीं खाया, उस समय मन भी नहीं था, हमने सोचा कि थोड़ा टाइम से निकल जाते हैं। और अब सच में बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। प्रॉब्लम ये होती है ना, ऊना से लेके हमीरपुर के बीच जो रास्ता है इसमें ना आपको ढाबे भी बड़ी मुश्किल से ऐसे खुले मिलेंगे, एक दो मिलेंगे जो ट्रक्स के लिए खुले होते हैं। अभी खाने को तो कुछ नहीं मिलेगा ना, सिर्फ मैगी मिलेगी, तो चलो मैगी से ही पेट भर लेंगे हम लोग आज अपना। और एक्चुअली मैं ना फर्स्ट टाइम ऐसे नाइट सफ़र कर रही हूँ, मैंने ज़िंदगी में एक या दो बार किया होगा, अमोल और मैंने तो फर्स्ट टाइम साथ में नाइट सफ़र कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। और कोई भी नहीं है, सड़क बिल्कुल खाली है। वैसे सच बोलूँ तो रात का सफ़र ना वैसे ऑसम होता है, कोई सड़क में कोई गाड़ियाँ नहीं चल रही, कोई ट्रैफिक नहीं मिलता है आपको, बेस्ट। तो बस मैगी का वेट करते हैं, भूख लगी है। A few moments later. ये रही मेरी गर्मा गर्म मैगी और मैं करूंगी अब मैगी इंजॉय। जो मैगी बनी है ना, तड़के वाली मैगी बनी है, प्याज टमाटर और प्रॉपर तेल का तड़का लगाया हुआ है। अदरक कौन डालता है मैगी में? अदरक मैगी में अदरक डाला है यार, इतनी बेकार मैगी बनाई है ना, सीरियसली हमने खाई नहीं, यहाँ वेस्ट हो गई सारी। अब देखो, अब हमें लगता है कि हमीरपुर जाके मैगी खाने को मिलेगी, तो मैं आपको मिलती हूँ हमीरपुर में। बाय बाय। द नेक्स्ट डे। गुड आफ्टरनून। अभी ना दोपहर के 1 बज रहे हैं और मैं नहा धो के फ्रेश हो चुकी हूँ। हम लोग ना कल चंडीगढ़ से रात को 3 बजे पहुंचे और फिर हम लोग सुबह बड़े लेट उठे, 10 ग्यारह बजे। और उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट किया अमोल ने और फिर अमोल चले गए क्लास लेने। और अब लंच बनाने का बिल्कुल मूड नहीं है, तो हमने सोचा कि लंच बाहर करके आएंगे, थोड़ी सी शॉपिंग भी करेंगे सब्जी सुब्जी की, क्योंकि सब्जियां भी सब खत्म हो रखी है इसीलिए। और बाकी मेरा गोवा का ट्रिप ना बहुत ज़्यादा अच्छा रहा, बहुत ज़्यादा मज़े किए हम लोगों ने और बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और बाकी आई होप आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा ना गोवा वाला ट्रिप का, तो मेरी वीडियो को लाइक भी कर लीजिए, शेयर भी कर लीजिए। और मैं ना बहुत ज़्यादा जल्दी मिलूंगी न्यू ब्लॉग के साथ आपको, तब तक के लिए बाय बाय। लिफाफे लेके सब्जी लेने जाना है, तो बाय बाय।